हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक पॉपुलर हॉरर स्लैशर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है लो लाइव्स। दोस्तों, ये फिल्म ट्यूबी ओरिजिनल्स की इन लेटेस्ट फिल्मों में से एक है, जिसने IMDb पर 6.4 की बढ़िया रेटिंग के साथ एंट्री की है। तो चलिए, अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे एक ब्लैक ग्लव्स वाला आदमी स्टैब करके मार डालता है और घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। इसके बाद सीन एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली पर फोकस करता है, जो अपनी आरवी के साथ एक वेकेशन पर निकले थे। इस फैमिली में कीथ और कैटलिन और उनके दो बच्चे एमी और जेफरी थे। ये फैमिली हर साल की तरह कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी बिजी सिटी लाइफ को छोड़कर नए रिमोट एरियाज और टाउन में ट्रेवल कर रहे थे। पर एमी के बिहेवियर से कीथ उससे काफी नाराज था। एमी के हर वक्त फोन में बिजी रहने से कीथ और उसमें बहस हो जाती है और एमी वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। इधर कीथ, कैटलिन और जेफरी अपने बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां पास ही के लोकल एरिया से बिली और वर्न नाम के दो आदमी आ जाते हैं, जो अपने दोस्त मैलियर को ढूंढ रहे थे। और दोस्तों, मैलियर वही आदमी था जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। बिली और वर्न का बिहेवियर काफी खराब था और वो दिखने में भी डेंजरस लग रहे थे, इसलिए कीथ बात को पीसफुली हैंडल करता है। इधर जेफरी वर्न को चॉकलेट्स ऑफर करता है और वर्न भी उसका मजाक उड़ाते हुए वो चॉकलेट्स खा लेता है। अब तक एमी भी वापस आ चुकी थी, जिससे वो दोनों उस पर अनअप्रोप्रिएट कमेंट पास करते हैं, जिसके बाद कीथ थोड़ा स्ट्रिक्टली रिएक्ट करता है और विली और वर्न भी वहां से चले जाते हैं। अब ये फैमिली भी टाउन की तरफ निकल पड़ती है, बट अगेन रास्ते में उन्हें बिली और वर्न मिलते हैं, जिनकी कार खराब हो चुकी थी, और ये दोनों कीथ से हेल्प मांगते हैं और उन्हें उनके साथ टाउन की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं। कैटलिन कीथ से उनकी हेल्प ना करने के लिए कहती है, एज उनके पास शॉर्ट गन्स भी थीं। पर वर्न से बिली को उनके साथ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि टाउन से पहले ही उसका घर है और वहां पहुंचते ही बिली उस तक मदद ला सकता है, और वर्न शॉर्ट गन्स को अपने पास रखने का प्रॉमिस भी करता है। अब ना चाहते हुए भी वो लोग बिली को लिफ्ट दे देते हैं और टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। कीथ विली से उनके घर और फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर विली बताता है कि लोकल एरिया से बिल्कुल बाहर उसका घर है, क्योंकि इस एरिया में काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और वो उस घर में अपने अंकल और दो कजिन सवाना और जूलियन के साथ रहता है। इधर जेफरी विली के साथ वर्ड गेम खेलने लगता है और मजाक में विली उससे उसकी बुक छीन लेता है, लेकिन बुक को खोलते ही वो एक सरप्राइजिंग बात को नोटिस करता है। ये बुक मैलियर की थी और हैंडराइटिंग भी मैलियोर की हैंडराइटिंग से मैच कर रही थी, लेकिन ये बुक जेफरी के पास कैसे है? पर बिली उन लोगों से कोई सवाल कर पाता उससे पहले ही जेफरी उस पर ब्लेड से हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है, और यहाँ फिल्म खेल जाती है। एक्चुअली फर्स्ट सीन में मैलियोर को मारने वाली यही फैमिली थी। ये फैमिली समहाउ कैनिबल्स थे और साल में एक बार ऐसे ही वेकेशन पर लोकल लोगों का शिकार किया करते थे, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि सीधे साधे शरीर दिखने वाले शहर के लोग इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। और स्टार्टिंग से ही हम इन बेचारे लोकल लोगों पर शक कर रहे थे, पर इन लोगों का पागलपन यहीं खत्म नहीं होता। ये मैलियर की तरह बिली की बॉडी को भी काटने लगते हैं, ताकि उसे स्टोर करके खा सकें, जैसे कि स्टार्टिंग सीन में ये मैलियर के मीट को खा रहे थे। और कैटलिन एमी को एज अ गिफ्ट बिली की आग भी देती है। इधर की सबूत मिटाने के लिए बिली का फोन भी तोड़ देता है, पर मरने से पहले बिली इन भूखे शिकारियों को शिकार का पता दे गया है, जिसने इन लोगों को और भी पागल कर दिया है। और ये शिकार और कोई नहीं बल्कि टाउन के बाहर रहने वाली उसकी फैमिली थी, और ये लोग अब उसी तरफ निकल पड़ते हैं अपने अगले शिकार के लिए। इधर हम बिली की फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं कि तभी डोर बेल बजती है, और जब जूलियन चेक करती है तो उसे यही फैमिली नजर आती है, जो उसे बताती है कि उनकी आरवी खराब हो चुकी है और बिली ने ही उन्हें यहाँ भेजा है, ताकि ये लोग इस फैमिली की मदद कर पाएं। सवाना तो उनकी इन बातों से एग्री नहीं करती, लेकिन जूलियन काफी पोलाइट और चेयरफुल थी, तो वो इन लोगों की मदद करने के लिए मान जाती है और उन्हें घर के अंदर ले लेती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कीथ उन लोगों से एक फोन कॉल करने के लिए उनका फोन मांगता है, लेकिन वो बताते हैं कि उनके पास बस एक ही फोन था जो बिली के पास था, और वो तो कीथ पहले ही तोड़ चुका है। एक्चुअली कीथ कंफर्म कर रहा था कि उनके पास कोई और सेल फोन तो नहीं। ये फैमिली विली की फैमिली के साथ डिनर करने बैठ चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। आएगा भी कैसे,
क्योंकि बिली की फैमिली ने कैनिबल्स के लिए खाना जो नहीं बनाया था। इधर सवाना के सस्पिशियस क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे थे, पर कैटलिन कैसे ना कैसे उसे संभाल रही थी और अब कंडीशन उनके हाथ में भी आ चुकी थी और वो सब अब अपना शिकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वहां जूलियन का हस्बैंड बिग मैक आ जाता है और उसकी बॉडी मसल्स को देखकर कीत को अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बिग मैक को सीधे खत्म करना पॉसिबल नहीं था। इधर हम रोड के बीचों बीच फर्न को देखते हैं जो बिली को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि बिली तो मर चुका है। वो बिली के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां शेरिफ आ जाते हैं जो उसे हेल्प भी ऑफर करते हैं, पर बर्न अपने पर्सनल ग्रजेस के चलते उनसे हेल्प नहीं लेता और शेरिफ वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी फर्न वॉमिट करने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और ये सब जेफरी की चॉकलेट की वजह से हो रहा था। पर इधर हम बिग मैक और जूलियन को भी जेफरी की चॉकलेट्स खाते हुए देखते हैं, यानी इस फैमिली ने उन्हें फंसाना शुरू कर दिया था। उधर हम एमी को वॉशरूम में देखते हैं जो गलती से बिली की आंख वहीं गिरा देती है और उसे पता भी नहीं चलता। अब तक सभी अपने रूम में सोने के लिए आ चुके थे। कैटलिन कीत को मना करती है ये सब करने के लिए, आफ्टर ऑल वो बिग मैक से डरी हुई थी, पर कीत उसे समझाता है कि बिग मैक को वो चॉकलेट दे दी हैं जो उसे बीमार कर देंगी और वैसे भी ये लोग बस एक भूच है जो इस गंदगी में रह रहे हैं, इनका मरना ही ठीक होगा। कीत अब जेफरी के पास आता है और अपना प्लान उसे बताता है। पहले वो बिग मैक को मारेगा और उसके बाद ही किसी और को। लेकिन जेफरी को देखकर साफ पता लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब तक उन चॉकलेट्स ने जूलियन और बिग मैक पर अपना असर दिखा दिया था। जूलियन ने तो खुद को टॉयलेट में लॉक कर लिया था जिससे बिग मैक को बाहर आना पड़ता है, पर रास्ते में ही वो वॉमिट करने लगता है। इधर हम एमी और सवाना को एक रूम शेयर करते हुए देखते हैं और दोनों में ही एक अलग केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी क्योंकि दोनों ही लेस्बियन थी। उधर अब तक जेफरी बिना सोचे समझे बिग मैक पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में अपने ब्लेड से उसे मार डालता है और ये सब कीत ग्रैंडपा की विंडो से देख लेता है क्योंकि वो भी ग्रैंडपा को मारने आया था। पर उसके मूवमेंट से ग्रैंडपा उठ जाते हैं और कीत उन्हें एक कुल्हाड़ी से मार डालता है और जेफरी की तरफ भागता है। कीत कैटलिन के सामने जेफरी को काफी डांटता है लेकिन अकेले में उसे उसकी बेवकूफी के लिए एज अ रिवॉर्ड बिग मैक की जीप देता है और इस चीज से हम समझ पाते हैं कि इस फैमिली को कैनिमल्स बनाने वाला यही आदमी है। इधर एमी सवाना के साथ मेकआउट करते वक्त उसे मारने के लिए एक चाकू निकाल लेती है, लेकिन तभी सवाना उठ जाती है और वो चाकू एमी के पैर में घुस जाता है। पर सवाना को अब भी कुछ समझ नहीं आता और वो एमी की फर्स्ट एड के लिए ऑयलमेंट लेने घर के बाहर चली आती है, लेकिन तभी उसे कीत और कैटलिन इतनी रात में आरवी से बाहर निकलते दिखते हैं जिससे उसे उन पर थोड़ा शक हो जाता है और वो भी चेक करने के लिए आरवी के अंदर चली आती है और वहां उसे बिग मैक की बॉडी दिखती है जिसे देखकर सवाना शॉक हो जाती है। पर अब तक उसे इस फैमिली के इरादों के बारे में पता लग चुका था और वो एक्शन में आ चुकी थी। इधर जूलियन को टॉयलेट में बिली की आंख दिखाई देती है और डर की वजह से वो बाहर की तरफ भागती है कि तभी उसे कीत पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो कैटलिन को जूलियन को मारने के लिए कहता है। कैटलिन पहले तो मना करती है लेकिन कीत की वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ती है, पर कैटलिन कुछ कर पाती उससे पहले ही एक एरो आकर उसके गले के आर पार हो जाता है और कैटलिन वहीं दम तोड़ देती है। और ये सवाना ने ही किया था क्योंकि अब उसे भी बदला लेना था, अपनी बहन को भी बचाना था। इधर अब तक की जेफरी और एमी कैटलिन की मौत से पागल हो चुके थे और जूलियन पर अपना गुस्सा और पागलपन उतारने वाले थे कि जूलियन को एक जगह बांध देता है और उस पर लगातार टॉर्चर करने लगता है। और बाहर खड़ी सवाना अपनी बहन की चीखें क्लियरली सुन पा रही थी तो वो घर के अंदर आकर एमी की फोन से शेरिफ को कॉल कर देती है। पर इधर सवाना के अंदर न आने से कीत और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जूलियन की उंगली तोड़ देता है। पर उधर सवाना ने अब तक जेफरी को चाकू की नोक पर ले लिया था, पर अपनी बहन की खातिर और कीत की मैनिपुलेशन की वजह से उसे जेफरी को छोड़ना पड़ता है और अब सवाना और जूलियन दोनों ही उनके हॉस्टेस बन जाते हैं। कीत अब सवाना को बिग मैक का मीट खाने के लिए फोर्स करता है लेकिन सवाना नहीं खाती जिसे कीत जूलियन का अंगूठा काट देता है। पर सवाना अब और नहीं सहती, वो कीत को एमी की लेस्बियन होने वाली बात बता देती है और साथ ही में उसके वीड के एडिक्शन के बारे में। कीत बहुत ओल्ड फैशन पर्सनैलिटी का इंसान था जिसे वो एमी से काफी नाराज हो जाता है और एमी और उसमें बहस शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर सवाना अपने आप को फ्री कर लेती है और कीत की आंख में एक फोर्क घुसा देती है।
ये देखकर एमी उस पर झपट पड़ती है, लेकिन हाथापाई में वो भी घायल हो जाती है। इधर कीथ अपनी ही आंख को निकाल कर खा जाता है, यानी सच में ही ये आदमी कैनिबल्स का भी बाप था। पर कीथ कुछ कर पाता उससे पहले वर्न वहां आकर उस पर शूट कर देता है और अब उन दोनों में ही हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर जेफरी सवाना पर चपट पड़ता है, पर सवाना उसके हाथ पैर जला देती है और उसे कुछ ही देर में मार देती है। इधर कीथ भी वर्न को मार डालता है, लेकिन अपनी डेस्टिनी से बच नहीं पाता, उसे भी जूलियन के हाथों मरना पड़ता है। जूलियन और सवाना ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अब तक एमी होश में आ चुकी थी और अब वो जूलियन को स्टैप करके मार डालती है। ये सब देखकर सवाना बहुत गुस्से में आ जाती है और एमी को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और तभी कोई सवाना को शूट करके मार डालता है और एमी बच जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि शेरिफ ही थे, जिन्हें लगा कि सवाना एमी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, यानी जो गलती फिल्म की स्टार्टिंग में हमने की वही शेरिफ ने भी कर दी। एक बार फिर विक्टिम कल्प्रिट बन गया और कल्प्रिट विक्टिम। एट द एंडिंग सीन हम शेरिफ को देखते हैं जो सभी को इस इंसिडेंट की न्यूज दे रहे थे कि तभी एमी उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार डालती है और इस घर को आग लगाकर अपनी आरवी लेकर निकल पड़ती है, बिल्कुल अपने डैड की तरह। न जाने अब ये शिकारी कितनों का शिकार करेगी। और इसी के साथ फिल्म ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लो लाइट्स फिल्म की कहानी। दोस्तों आपका इस फिल्म की अनप्रिडिक्टेड स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।